दोस्तों फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले में एक बड़ी ठगी हुई थी और आरोपी पकड़े जा चुके हैं। फर्जी मैसेज दिखाकर एक कालीन विक्रेता से 3,40,000 रुपया हड़पे गए थे। देख सकते हैं वही आरोपी हैं और अभी डीसीपी नीतीश कुमार अग्रवाल बताएंगे, पूरे मामले की जानकारी देंगे। मेरा परिसर में ही एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, फिर देख लें। तो आज तो ठगी का जमाना है, लोग पता नहीं किस किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं और वैसी ठगी यहाँ हुई, बड़ी ठगी थी। देखिए मेला परिसर से अभी आपको डीसीपी साहब पूरी जानकारी देंगे कि कैसे कैसे इन्होंने ठगा था, शिकार बनाया था, लेकिन पकड़े गए। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? जितनी अभी इनसे इंटरोगेशन करी है उसमें यही चीज सामने आई है कि इन लोग का भी कालीन का खुद का बिजनेस है, तो ये भी कालीन बेचने का काम करते हैं। तो कुछ कुछ जेन्युइन खरीदते हैं, कुछ ये चोरी के माध्यम से जो मिलता है कालीन वो ये बेचते हैं। कैसे कैसे ठगी को अंजाम दिया, बरामदी हो पाई है और कालीनों की? नहीं, इसके अलावा ये मेनली ये कालीन हुआ है और जो इसमें सेकेंड एक्यूज है उसके डिटेल्स कुछ हमें मिली है अभी, मतलब जब गिरफ्तार होगा और डिटेल्स मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर इस तरीके की चोरी के और भी काफी सारे मुकदमे दिल्ली में भी दर्ज हैं और मुंबई में भी दर्ज हैं। अच्छा सर, किस तरह से ये स्क्रीन जो दिखाई गई, जो सक्सेसफुल की दिखाई गई, वो किस तरह से क्या था, कैसे उन्होंने यकीन किया इस बारे में? अगर आप देखिए उसमें जैसे कि आप जब भी कोई पेमेंट करते हो तो आप जनरली ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सामने वाले को पेटीएम से दिखाते हो कि मैंने इस तरीके से ट्रांजेक्शन कर, तो वही उन्होंने उस आदमी को दिखाया कि पेमेंट हमने हुई है, डेट उन्होंने एडिट कर दी थी और ट्रांजेक्शन आईडी मन से कोई सी भी ट्रांजेक्शन आईडी लगा ली और उनको यही बोला कि क्योंकि मेले में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसलिए मैसेज आपके पास पहुंच नहीं रहा। तो इस तरीके से, और क्योंकि मेले में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभार शॉपकीपर भी उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो यही कारण से थोड़ा सा ये रहा। क्या वो स्क्रीन थी पहले से एडिट की हुई थी? एक स्क्रीन है जैसे ग्राफिक्स बनाते हैं वो प्लेट थी क्या? सिंपल एक व्हाट्सएप इमेज में उन्होंने एडिट कर दिया था, चेंजेस कर दिए थे और वही दिखा दिया। क्या ये और भी मामलों में लिप्त हैं, इससे कुछ ऐसी जानकारी है? जो दूसरा एक्यूज है जो अभी किसी गिरफ्तारी बकाया है वो और भी मामलों में उसकी संलिप्तता है, 4 से 5 मामले सामने आए हैं, लेकिन एक बार जब वो भी एक्यूज गिरफ्तार हो जाएगा तो उसकी हम डिटेल उससे भी इंटरोगेशन करके पूरी पूछताछ करेंगे। कितने लोगों का ग्रुप है ये? ये अभी तो 2 ही लोग हैं इस केस में जिनका पता चला है, और अगर उसको अरेस्ट करने के बाद कोई और चीज़ नहीं सामने आती है तो क्या महिला भी है इसमें? महिला भी शामिल है इसमें? नहीं, इसमें हमने पूछताछ करी थी तो महिला का एज सच कोई रोल नहीं था इस केस में, तो उनका कोई इसमें रोल नहीं था। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इनके साथ एक महिला भी थी जब ये इस कार्यवाही को अंजाम दे रहे थे, तो वो महिला कौन थी, इनसे क्या संबंध था उनका? महिला इनकी कोई जानकार थी और उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस टाइप का ये लोग चोरी करते हैं वो करते हैं। उसको उन्होंने यही बताया था कि हमारा जेन्युइन कारपेट का काम है और वो एज अ फ्रेंड इनके साथ। क्या शाहीन बाग में भी वह मिली है इनके साथ? देखिए वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो इसमें तरीका चल रही है। अच्छा सर, जब चोरी हुई इनकी दुकान पर तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनको लग रहा था कि अब ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो कहीं निराशा थी उनको, तो अब इस पकड़ से क्या कुछ लगेगा दुकानदारों को, क्या होगी या जो है एक अच्छा मैसेज? तो जैसा कि आप लोग को, मैं एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक शॉप में कालीन बेचते थे अलाउद्दीन करके, जिनकी शॉप का नंबर था 824, उनके कुल 7 से 8 कालीन कुछ लोग खरीदने के लिए आए थे और उन्होंने उनको ऑनलाइन दिखाया कि हमने 3,40,000 रुपये की पेमेंट कर दी है, उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा कि पेमेंट सक्सेसफुल होने का, और ये 7-8 कालीन लेके वो चले गए। उसके बाद जब इन्होंने अगले दिन चेक किया कि पेमेंट आई है कि नहीं आई, तो पेमेंट नहीं आई थी, बेसिकली उनको फर्जी एक व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने भेजा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, और इस तरीके से उनके साथ एक तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ और जिसमें उन लोगों को 3,40,000